तो इस स्पाइडर ग्रुप की मेडिसिन्स में कुछ जैसे कि एरेनिया डायडेमा, हम लोग ये टॉप मोस्ट मेडिसिन्स पढ़ते हैं। एरेनिया पढ़ते हैं, लेटोडेक्टस पढ़ते हैं, माइगेन, टेरेंटुला की दोनों ही मेडिसिन्स पढ़ते हैं, हिस्पैनिका हो चाहे क्यूबेंसिस हो, ठीक है, और थ्रेडियन। ये सारी मेडिसिन्स हम जो है अपनी बोरिक बुक से भी पढ़ते हैं, क्लिनिकली ये मेडिसिन्स जो है वो यूज भी होती हैं, ठीक है। तो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि जो स्पाइडर होता है उनका 8 लेग्स होता है, ठीक है। स्पाइडर के क्या हुए, 8 लेग्स हुए, उसकी पूरी बॉडी पे 8 लेग्स देखने को मिलते हैं, और जो स्पाइडर होता है वो कंटिन्यू मोशन में रहता है, ठीक है। तो पेशेंट भी हमें सेम एज इट इज ऐसा ही देखने को मिलता है कि पेशेंट हमेशा क्या है, रेस्टलेस है। सेकंड कंडीशंस, स्पाइडर जो होता है बहुत ज्यादा कनिंग होता है, ठीक है, बहुत जल्दी अपने प्रे को कैप्चर कर लेता है या फिर डिसेप्टिव वे में, तो जिसकी वजह से पेशेंट्स भी इसके काफी ज्यादा कनिंग नेचर के होंगे, चालाक नेचर के होंगे या झगड़ालू टाइप के होंगे, ठीक है। इवन स्पाइडर ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं वो सेल्फिश भी देखने को मिलते हैं। थर्ड वन इज, जो एक्शन होता है पॉइजन का वो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, पेशेंट भी या फिर जो कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट्स की वो काफी ज्यादा आपको वायलेंट करेक्टर की देखने को मिलती हैं। जो मेल स्पाइडर होता है वो मेटिंग के टाइम पे या फिर फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो डांस करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इससे हमें ये पता चलता है कि जो पेशेंट्स की डिजायर होती है वो डांस करने की डिजायर होती है, उससे इसके सारे कंप्लेंट्स में इसको रिलीफ भी मिलता है, ठीक है। अब मेडिसिन देखेंगे, जो मोस्टली मेडिसिन होती है वो लेफ्ट साइडेड होंगी, एक्सेप्ट माइगेल। माइकेल जो मेडिसिन है वो राइट साइडेड देखने को मिलेगी, और एरेनिया डाइडेवा, ठीक है, ये दो मेडिसिन होती है वो राइट साइडेड देखने को मिलती है, बाकी पूरे स्पाइडर ग्रुप के जो कंप्लेंट्स होती हैं वो लेफ्ट साइडेड मोस्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें तो स्पाइडर ग्रुप काफी हेमरेजिक टेंडेंसीज में भी इसको यूज किया जाता है, या फिर किसी वोन्स में नेक्रोसिस की कंडीशंस या फिर कोई कैरीज की कंडीशंस देखने को मिल रखी हो, सेप्टिक कंडीशंस जैसे कि थेरोडियन की मेडिसिन से वो सेप्टिक कंडीशंस में यूज किया जाता है, मसल्स में ट्विचिंग हो गई, माइगेल, माइगेल बहुत अच्छी मेडिसिन से अगर किसी को मसल्स में ट्विचिंग देखने को मिल रही हो, ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्लीप डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हो, या फिर पाल्पिटेशंस, चिली पेशेंट्स होंगे और इनकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा इंक्रीज रहती है। तो जो स्पाइडर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रोस में रहते हैं, ठीक है, या फिर होल्स में रहेंगे या लाइट वाले एरियाज में रहेंगे। तो स्पाइडर ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं उनको सोसाइटी से अवर्जन होता है, काफी ज्यादा ये मार्क्ड मेंटल सिम्टम देखने को मिलता है स्पाइडर ग्रुप में, कि सोसाइटी से अवर्जन देखने को मिलता है, सेल्फिश, कनिंग, बहुत ज्यादा क्वारलसम नेचर के होंगे, और जो ब्राइट लाइट वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे अवर्जन देखने को मिलते हैं, या फिर जो चमक धमक वाले कपड़े भी होते हैं ना उनसे भी अवर्जन होता है, म्यूजिक के लिए काफी सेंसिटिव भी होते हैं, ठीक है। बट इसकी जो कंप्लेंट्स होती है वो म्यूजिक की, स्पेशली मेंटल कंप्लेंट्स इसकी एग्रीवेट कर जाती है, बट फिजिकल सफरिंग्स में म्यूजिक से पेशेंट को रिलीफ भी देखने को मिलता है, ठीक है। काफी ज्यादा चीयरफुलनेस, कंपनी से अवर्जन, बट उसके आसपास कुछ रहे जैसे कि लाइकोपोडियम का होता है। तो खाने से या फिर चलने से इसके सारे मेंटल सिम्टम्स में आराम मिलता है, ठीक है, और सेक्सुअल डिजायर भी इंक्रीज देखने को मिलती है। मोस्टली जो स्पाइडर ग्रुप जो जाना जाता है वो उसकी पीरियोडिसिटी के बेसिस पर जाता है, जाना जाता है कि स्पाइडर ग्रुप में काफी ज्यादा पीरियोडिसिटी मेंटेन रहती है, ठीक है, या फिर जैसे कि इंटरमिटेंट फीवर की कंडीशंस देखने को मिल रही है। अब एक एक मेडिसिन की बात करें तो टेरेंटुला हिस्पानिका, इसके जो कंप्लेन्ट्स आती है वो सेम पीरियड में देखने को मिलेंगे, या फिर हर एक घंटे, हर दिन में, या फिर अल्टरनेट डेज पे देखने को मिल सकती है, बट इसकी जो कंप्लेन्ट्स होंगी मोस्टली पीरियोडिक होंगी। क्यूवेंसिस की, क्यूवेंसिस इंटरमिटेंट फीवर में इंडिकेट किया जाता है अगर किसी को कंप्लेंट सेम आर में रिटर्न कर रही हो। एरिनिया डायडेमा तो मोस्टली पीरियोडिक कंप्लेंट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। टेला एरिनिया, ये भी जो होता है उसमें भी काफी ज्यादा जो ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट देखने को मिलता है, काफी ज्यादा वीकनेस होती है, या फिर ऑप्शनेट कोई कंडीशन देखने को मिल रही है, ऑप्शनेट फीवर हो तो उस टाइप की कंडीशन में इसको इंडिकेट किया जाता है। तो पूरे स्पाइडर ग्रुप की जो मेडिसिन होंगी वो चिली मेडिसिन होंगी, ठीक है,
मतलब कोल्ड के लिए रेस्पॉन्स करती हैं, कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे कि एरिनिया डायडेमा हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड के लिए सेंसिटिव होती है, या फिर टेला एरिनिया हो गया, वो भी चिलीनेस की कंडीशन देखने को मिलती है, लैक मैक्टेंस, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज में कोल्डनेस की कंडीशन देखने को मिलती है हिस्पैनिका। इनको कम मतलब ये भी चिली होते हैं बट उनको ओपन एयर की डिज़ायर होती है। ठीक है, कुछ ऐसी एक्सेप्शन है, हॉट मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि लेटोडेक्टस मैक्टेंस या फिर टेरेंटुला क्यूवेंसिस। ये जो क्यूवेंसिस होती है वो सेप्टिक कंडीशंस के लिए इंडिकेट किया जाता है। लेटोडेक्टस जहाँ पेशेंट इतनी ज्यादा बेचैनी होती है कि वो चैन से लेट ही नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस की कंडीशंस देखने को मिलती है। एरेनिया साइंसिका, इसमें जो होता है वार्म वेदर के लिए इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, या जो भी कंप्लेंट्स होंगे वो वार्म वेदर से एग्रेवेट करती है। ठीक है, तो मोस्टली जो स्पाइडर ग्रुप की जो मेडिसिन होती है वो चिली देखने को मिलती है। सेक्सुअल कंप्लेंट्स, स्पाइडर ग्रुप के जो पेशेंट्स भी होंगे वो काफ़ी ज़्यादा निम्फोमैनिक होते हैं, सेक्सुअल डिजायर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलती है। टेरेंटुला हिस्पैनिका, इसमें दोनों ही सेक्सेस चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही हाईली सेक्सुअल डिजायर देखने को मिलती है। माइगेल, माइगेल एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें ट्विचिंग को इंडिकेट किया जाता है, ट्विचिंग ऑफ मसल्स की कंडीशंस देखने को मिल रही है, या फिर पेनफुल इरेक्शन देखने को मिल रहा हो। नेक्स्ट मेडिसिन है थेरोडियोन, तो थेरोडियोन में भी सेक्सुअल डिजायर तो डिक्रीज रहेगी, ठीक है, बट इसका टाइम पे क्लाइमेक्स के टाइम पे काफी ज्यादा हिस्टेरिया की कंडीशंस देखने को मिलती है, या फिर पेनफुल इरेक्शन। एरिनिया डायडेमा के मेंसेस अर्ली देखने को मिल जाते हैं, तो उसके साथ साथ निम्फोमैनिक डिजायर देखने को मिल जाती है। ठीक है, एंजाइना पेन, एंजाइना पेन के लिए स्पाइडर ग्रुप की मेडिसिन काफी अच्छी है, स्पेशली लेटोडेक्टस मैक्टेंस। जहाँ चेस्ट में बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा हो और जो कि रेडिएट कर रहा हो नेक रीजन तक, शोल्डर्स तक, पूरे लेफ्ट आर्म, फिंगर्स तक, पेशेंट इतना ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है कि पेशेंट चिल्ला जा रहा है, ठीक है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही हो, तो इस टाइप की कंडीशंस देखने को मिलती है लेटोडेक्टस मैक्टेंस में। टेरेंटुला हिस्पैनिका, अगर किसी पेशेंट को उसका जो एंजाइना का पेन है और पेशेंट को खुली हवा में जाने से आराम मिल रहा हो, चेस्ट में बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्शन हो, तो हम टेरेंटुला हिस्पैनिका की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोरिया एंड कन्वल्जेंस, जो कि हमने बताई चुके हैं अभी। कोरिया और कन्वल्जेंस में माइगेल इंडिकेट की जाती है, टेरेंटुला हिस्पैनिका और टेरेंटुला क्यूवेंसिस इंडिकेट की जाती है। तो माइगेल में काफी ज्यादा मसल्स में ट्विचिंग हो, हॉट फ्लशेस की कंडीशंस देखने को मिल रही है, या फिर पूरी बॉडी उनकी कांस्टेंट मोशंस में हो, हाथ पैरों में कंट्रोल मतलब अनकंट्रोलेबल मोशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड का कोरिया की कंडीशन है तो टेरेंटुला क्यूवेंसिस है। हिस्पैनिका में भी काफी ज्यादा कोरिया की कंडीशंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट कंडीशन है लिम्फेंजाइटिस। लिम्फेंजाइटिस में बात करें तो इसमें मैलिग्नेंट कंडीशंस या फिर जो भी अफेक्टेड एरिया होगा काफी ज्यादा स्कारलेट होगा। ठीक है, रेडनेस की कंडीशंस देखने को मिलेगी, स्पेशली लिम्फैटिक्स वाले पार्ट में। पेशेंट को एंजाइटी भी हो सकती है, मसल्स में ट्विचिंग भी देखने को मिल सकती है, उसके साथ साथ जो अफेक्टेड पार्ट होगा उसमें रेडनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बोन्स एंड कैरीज। तो थेरियोडियन काफी अच्छा काम करती है अगर बोन्स में नेक्रोसिस की कंडीशंस देखने को मिल रही हो या फिर कैरीज की कंडीशंस देखने को मिल रही हो। एरेनिया डायडेमा, एरेनिया डायडेमा हील पेन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। टेंडो एक्लिस में अगर किसी को पेन हो रखा हो तो वहां पे ये बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो दो ऐसी मेडिसिन है जिनका बोन्स पे काफी अच्छा इफेक्शन होता है, एक तो थ्रेडियन हो गई और एरेनिया हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है ट्विचिंग। तो ट्विचिंग की बात करें तो एरेनिया डायडेमा, ठीक है, जहां अल्नर नर्व्स में काफी ज्यादा नर्वनेस देखने को मिल रखा हो। टेलिया अरेनिका, इसमें भी काफी ज्यादा नंबनेस की कंडीशंस देखने को मिलती है। हिस्पैनिका, हिस्पैनिका का जो पेशेंट होता है बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, अगर किसी को मसल्स में ट्विचिंग भी हो और मसल्स में ट्विचिंग के साथ साथ बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही हो, इवन फिंगर टिप्स में भी उसको बहुत ज्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है, तो उस टाइप की कंडीशंस में हम टेरेंटुला हिस्पैनिका को इंडिकेट करते हैं। थेरेडियन, थेरेडियन का जो पेशेंट होगा हाइपर सेंसिटिव होगा, इवन थोड़ा बहुत भी शोर शराबा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत भी अगर उसने शोर शराबा सुन लिया तो पूरी बॉडी को उसको पैनिटेट करके जाता है। ठीक है, तो लेटोडेक्टस कैपिटो कैटिपो हो गया, एरिनिया साइंसिका, ये जो मेडिसिन होती है वो ट्विचिंग ऑफ मसल्स में काम करती है या फिर नंबनेस।
सेप्टिक कंडीशंस में टेरेंटुला क्यूवेंसिस, टेरेंटुला हैसेली, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर कहीं पे भी सेप्टिक कंडीशंस देखने को मिल रही हो, जैसे कि आप लोग करते हो पायरोजन, एंथ्रासिनम, ठीक है, या फिर आर्सेनिक, सिकेल कोर, इसी टाइप की कंडीशंस में टेरेंटुला क्यूवेंसिस और टेरेंटुला हैसेली भी है। मैलिग्नेंट कंडीशंस देखने को मिल रही हो, कहीं पे वॉयल्स हो, कार्बंकल्स हो, या फिर एब्सेस की कंडीशन जिसमें सीवियर बर्निंग पेन देखने को मिल रही, एक्सट्रीम जलन हो रखी हो, तो उस टाइप की कंडीशंस में ये काम करती है। नेक्स्ट कंडीशन है इंटरकोस्टल न्यूरलजिया। तो इंटरकोस्टल न्यूरलजिया में अगर किसी को राइट लंग में या फिर जिनको थैसिस हो रखी है, ट्यूबोक्लोसिस की कंडीशंस देखने को मिल रही है, तो राइट लंग का जो एपेक्स वाला पार्ट होता है वो ज्यादा अफेक्टेड होगा। एरिनिया डायडेमा में क्या होता है, इसका जो मोस्टली जो कंप्लेंट्स होती है वो डैम्प वेदर की वजह से एग्रीवेट करती हैं, ठीक है, मोस्टली इसकी जो कंप्लेंट्स होंगी वो डैम्प वेदर से एग्रीवेट करती है और माइग्रेन पीरियोडिसिटी की कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो ट्राइजेमिनल नर्व्स में अगर पेन देखने को मिल रहा हो, पेशेंट जब भी ओपन एयर में स्मोकिंग करेगा तो उसको रिलीफ मिलता है। इवन पेशेंट को अगर हार्डक भी हो रखा होगा, ओपन एयर में वो स्मोक भी कर लेता है तो उसको आराम मिलता है। सेकेंड चीज, इसमें पीरियोडिसिटी बहुत ज्यादा मार्क्ड होती है। और हील्स पेन में, टैंडो एक्लिस में अगर पेन हो रखा हो, तो इस टाइप की कंडीशंस में हम एरिनिया डायडेमा को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। हेमरेजिक टेंडेंसी, हेमरेजिक टेंडेंसी में लेटोडक्टस मैक्टेंस है, जहां किसी पेशेंट का हेमरेजिक टेंडेंसी और जो ब्लड है वो काफी ब्लैकिश टाइप का देखने को मिल रहा हो, या फिर एरिनिया डायडेमा भी है, हेमोप्टिसिस की कंडीशंस, या फिर लंग्स से हेमरेज की कंडीशंस देखने को मिल रखी हो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है कि जितने भी इंस्पायर्ड ग्रुप की मेडिसिन होती है उनकी जो स्लीप होती है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो पूरा ही इंस्पायर्ड ग्रुप बहुत ज्यादा बेचैन होता है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है, ठीक है। अगर टेरेंटुला क्यूवेंसिस है या फिर उसके बॉडी पे वॉयल्स की कंडीशन होगी या फिर कार्बंकल्स की कंडीशन होगी या सीवियर कफ होगा जिसकी वजह से पेशेंट को नींद नहीं आ रखी होगी, ठीक है। टेरेंटुला हिस्पानिका, ये पेशेंट बार बार उठता रहता है और रोता रहता है, इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। लैटोडक्टस हैसिल्टी, इसमें भी मैलिग्नेंट सेप्टिक कंडीशंस देखने को मिल रखी है, उसके साथ साथ इंसोमनिया हो, तो उस टाइप की कंडीशंस में हम इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब आ रही है आपकी मेन बात, उसके मेंटल सिम्टम्स, जो मेनली स्पाइडर ग्रुप की जो मेडिसिंस होती हैं, फियर ऑफ डेथ की कंडीशंस देखने को मिलती है, उसमें से भी जो मोस्टली देखने को मिलता है वो लैटोडक्टस मैक्टेंस है, ठीक है। उसको स्पेशली जब एंजाइना का पेन होता है, चेस्ट में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा, तो काफी ज्यादा फियर ऑफ डेथ की कंडीशंस देखने को मिलती है, ठीक है। टेरेंटुला हिस्पैनिका, जब भी वो अनयूजुअल सराउंडिंग्स में होगा, मींस फियर ऑफ डेथ या फिर उसको ऐसा लगेगा कि कुछ होने वाला है, तो इसको फियर ऑफ डेथ की कंडीशंस देखने को मिलती है। थेराडियन, थेराडियन में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है या फिर बहुत जल्दी चिल्ला जाता है, चौक जाता है, तो इस टाइप की कंडीशंस देखने को मिलती हैं हमें, ठीक है। काफी ज्यादा एंशियस नेचर, काफी ज्यादा फियर ऑफ डेथ की कंडीशन हमें पूरे स्पाइडर ग्रुप में मार्क्ड देखने को मिलता है। डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन के साथ बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन हो, वीकनेस बहुत ज्यादा हो, हमेशा पेशेंट का मूड जो है वो चेंजेबल देखने को रखा हो, ठीक है, या फिर अचानक से हैप्पी हो जा रहा है, अचानक से रो दे रहा है, उसको डेथ का फियर होना चालू हो जा रहा है, तो टेरेंटुला हिस्पैनिका। थेराडियन में भी अगर डिप्रेशन हो जिसके साथ साथ हार्डक की कंडीशन हो, माइगेल में भी काफी ज्यादा डिप्रेशन होता है, पूरे दिन भर उदास रहेगी, डिप्रेस की कंडीशंस देखने को मिलेगी, ठीक है। और लेटोडक्टस कैटेपो, कैटोपेबी में भी नर्वस डिप्रेशन काफी ज्यादा मार्क्ड होते हैं। एंगर और इरिटेबिलिटी, इसमें टेरेंटुला हिस्पैनिका है, थेराडियन है, माइगेल है और मैक्टेन्स है। मैक्टेंस में स्पेशली आप लोग याद रखना कि जो मैक्टेंस वाली रेमेडी है वो मोस्टली हर्ट कंप्लेंट्स के लिए इंडिकेट किया जाता है, और जो माइगेल मेडिसिन है वो ट्विचिंग ऑफ मसल्स में इंडिकेट किया जाता है। हिस्पैनिका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी जाता है और मोस्टली रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो उस टाइप की कंप्लेंट्स के लिए जाता है। थेराडियन बोन्स में भी काम करता है, स्पाइनल इसका बहुत ज्यादा सेंसिटिव रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेस्टलेसनेस आपको पूरे स्पाइडर ग्रुप में मार्क देखने को मिलेगी, किसी के उसकी अदर कंप्लेंट्स के साथ देखने को मिल रखी हो, जो कि मेनली कंप्लेंट्स हैं जो अभी बता चुके हैं, ठीक है। हिस्टेरिया, हिस्टेरिया में टेरेंटुला क्यूवेंसिस है, टेरेंटुला
पेशेंट जो होंगे काफी ज्यादा चालाक नेचर के होंगे, मैनिपुलेटिव, दूसरों को अपनी बातों में बहुत जल्दी फंसा लेते हैं, ठीक है, या फिर काफी ज्यादा ये चीज देखने को मिल रखी हो, हमेशा इसकी कंप्लेंट्स काफी ज्यादा वॉयलेंट तरीके से आती है, स्पैनिका की जो कंप्लेंट्स होते हैं, या फिर पेशेंट हमेशा मोशन में रहना चाहता है, ठीक है। तो पूरा स्पाइडर ग्रुप का हो चुका है। एक एक रेमेडी की बात करें तो एरिनिया डायडेमा, इसकी जो मेनली कंप्लेंट्स होती है पीरियोडिसिटी की वजह से जाना जाता है, अगर बहुत ज्यादा कोल्डनेस सेंसेशन हो, पेशेंट डैम्पनेस के लिए ससेप्टेबिलिटी देखने को मिल रखी हो, ठीक है, अचानक से टीथ में पेन हो, जैसे ही पेशेंट लेटने जा रहा हो, लेटता है तो उसकी वजह से उसको टीथ पेन होना चालू हो जाता है, वॉलेंट पेन होना चालू हो जाता है, या फिर मैंसेस की कंडीशन, ठीक है। और इसको जो इंडिकेट किया जाता है वो है टेंडो एक्लिस, हील्स में पेन, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस, इंटरकॉस्टल नर्व्स में पेन देखने को मिलता है, हैमरेजिक की कंडीशन, अगर किसी को लंग्स से हैमरेजिक की टेंडेंसी देखने को मिल रही हो, कोलिक की पेन, हमेशा जो भी इसकी कंप्लेंट्स होंगी उसके साथ साथ पीरियोडिसिटी मार्क्ड रहती है, वोन्स में पेन हो, ठीक है, या फिर स्वेलिंग जैसा सेंसेशन देखने को मिल रखा हो, जैसे कि वोवेस्टा में देखने को मिलता है। फीवर में भी इंडिकेट किया जाता है जब चिलीनेस काफी ज्यादा मार्क्ड हो, या फिर रेनी वेदर से जो डैम्पनेस वाला एरियाज होता है वहां से उसकी कंप्लेंट्स एग्रवेट कर रखी हो, और हर दिन उसका सेम आर पे कंप्लेंट रिटर्न कर रखी हो, तो उस टाइम पे हम एरेनिया डायडेमा को इंडिकेट कर रखे हैं। हमने पहले ही बता चुके हैं इसको टमेको स्मोकिंग से रिलीफ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है एरेनिया साइंसिया। तो एरेनिया साइंसिया में काफी ज्यादा ट्विचिंग देखने को मिलती है, स्लीपीनेस, उसकी सारी कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट स्लीपीनेस होगा, जैसे कि नक्स मॉस्काटा होता है, एंटीमोनियम टार्ट होता है, और ओपियम, ठीक है। बट इसकी जो कंप्लेंट्स होंगे मोली वार्म रूम से एग्रेवेशन देखने को मिलती है, अगर आईलेट्स में ट्विचिंग होती है तो एरिनिया साइंसिया दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लैक्टोडेक्टस मैक्टेंस। जो लैक्टोडेक्टस मैक्टेंस हम पहले ही बता चुके हैं, एंजाइना का पेन, अगर किसी को सीवियर वॉलेंट एंजाइना का पेन है जो कि लेफ्ट आर्म्स में, एक्सिला में, फिंगर्स तक पूरे हाथ में फैल जा रहा हो, ठीक है, उसके साथ साथ नंबनेस देखने को मिल रहा हो, या फिर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है चेस्ट से लेके एब्डोमेन तक, तो इस टाइप की कंडीशन पेशेंट को काफी ज्यादा डिस्निया के अटैक्स आते हैं, ठीक है, कि सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में उसको काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, या फिर चेस्ट में कंस्ट्रिक्शंस, जैसे उसके एब्डोमिनल मसल्स में क्रैम्स होते हैं तो काफी ज्यादा लेग्स में वीकनेस होनी चालू हो जाती है, ऐसा लगता है कि लोअर लिम्स कोई काम नहीं कर रही हो, पैरालाइज की कंडीशन। तो लैटोडेक्टेंस हमेशा एंजाइना का पेन याद रखना बहुत अच्छा काम भी करती है एज अ क्लिनिकली, ठीक है। माइगेल, माइग्रेन का जो बंदा होता है काफी ज्यादा रेस्टलेस होगा, पूरा स्पाइडर ग्रुप ही होता है, सैड, डिप्रेस देखने को मिलेगा, फियर ऑफ डेथ की कंडीशन। बट जो इंडिकेट किया जाता है, अगर किसी को फेशियल मसल्स में ट्विचिंग हो रखी हो, इसकी माउथ या आईज रैपिड सकेशंस में हो, कंटिन्यू मोशन में हो, ठीक है, टंग में ड्राइनेस की कंडीशंस देखने को मिल रही है, बट टंग को प्रोट्रूट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रखी हो, क्यों, क्योंकि क्या हो चुका है, ट्विचिंग की कंडीशंस देखने को मिल रही हो, ठीक है। बच्चे जो होंगे रात को दांतों को पीसेंगे, ग्रिंडिंग करेंगे, इसके साथ साथ अनस्टेडी गेट, अगर पेशेंट कोई चलते चलते लड़खड़ा जा रहा है, पूरे होल बॉडी में कांस्टेंट मोशन की कंडीशंस देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, लिम्फैटिक्स के रीजन में पेन हो, इवन इसके जो हैंड्स होते हैं वो भी रेस्टलेस होते हैं, कन्वल्जन कंटिन्यूड, इसकी पूरी बॉडी इसकी कंटिन्यू मोशंस में रहती है, ठीक है। तो अगर इस टाइप की कंडीशंस देखने को मिल रही है तो हम माइग्रेन को इंडिकेट करते हैं, बट इसको स्लीप से आराम मिलता है और मोस्टली इसकी जो कंप्लेंट्स होती है वो मॉर्निंग के टाइम पे एग्रीवेट करती है। नेक्स्ट है टेरेंटुला क्यूवेंसिस। तो टेरेंटुला क्यूवेंसिस सेप्टिक कंडीशंस में इंडिकेट किया जाता है, जहां काफी ज्यादा मैलिग्नेंट सेपरेशन हो, पस भर रखा हो, ठीक है, और जो पेन होता है काफी ज्यादा सीवियर पेन हो, ऐसा लग रहा है कि उसकी डेथ होने वाली है, बहुत ज्यादा, इवन जो पेशेंट होता है वो लास्ट स्ट्रगल करता रहता है, ठीक है, इतना ज्यादा उसको सीवियर पेन देखने को मिल रहा हो। उसके साथ साथ प्रुरिटिस स्पेशली जेनाइटल सीजन में, फीट में रेस्टलेस देखने को मिलता है, जब भी कहीं पे भी सेपरेशन की कंडीशन आती है या फिर पस बनने की कंडीशन आती है तो ऐसा ये प्रिवेंटिव की तरह भी काम करता है, क्यूरेटिव की तरह भी काम करता है, ठीक है। लेफ्ट आई में हम पहले ही बता चुके हैं कि ये लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, ठीक है, जिसमें शूटिंग पेन होता है, स्किन में
उसको पफीनेस का सेंसेशन देखने को मिल रहा हो, या फिर कारबंकल्स, बहुत ज्यादा सीवियर बर्निंग हो, चुभन देखने को मिल रही हो, गैंग्रीन, एप्सिस, इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जहाँ पे पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है, ऐसा लगता है पेशेंट अभी मर जाएगा, ब्रेस्ट में कैंसर की कंडीशन हो, ठीक है, पेशेंट जब भी सोने भी जा रहा है तो वो भी बहुत ज्यादा रेस्टलेस की कंडीशन देखने को मिल रही है, हार्श कफ की वजह से, कफ इसको इतना ज्यादा सीवियर होता है जिसकी वजह से नींद भी नहीं आती है, तो इस टाइप की कंडीशन में हम टेरेंटुला क्यूवेंसिस को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है टेरेंटुला हिस्पैनिका। तो हिस्पैनिका काफी ज्यादा हिस्टेरिकल रेमेडी है, इसमें निम्फोमेनिया की कंडीशन देखने को मिलती है, हाईली सेक्सुअल डिजायर और मूड का अल्टरेशन, बहुत ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है पूरे स्पाइडर ग्रुप में वो है टेरेंटुला हिस्पैनिका, ठीक है, एंड हमेशा इसको एक्सरसाइज करने का, वॉक करने का, डांस करने का बहुत ज्यादा मन करता है, म्यूजिक से ये सेंसिटिव होता है, इसकी जो मेंटल कंप्लेंट्स होती है वो म्यूजिक से एग्रीवेट होती है, बट फिजिकल कंप्लेंट्स में इसको म्यूजिक से आराम भी मिलता है, ठीक है, सीवियर पेन देखने को मिल रहा है उसके हार्ड के रीजन में, निडल्स लाइक ऐसा लग रहा है कि निडल्स चुभाई जा रहे, प्रिकिंग पेन देखने को मिल रहा हो, या फिर जब भी वो अपने हेड को ब्रश कर रहा है, रब कर रहा है, तो इसकी वजह से सीवियर पेन देखने को मिलता है, लैशिवियस, सेमिनल इमिजन की कंडीशन, बहुत ज्यादा इंसैनिटी की तरफ जाता है, एकदम पागलपन सा जो दौड़ा पड़ता है लैशिवियस का, उस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है, पाल्पिटेशंस, बहुत ज्यादा एंजाइटी, उसको ऐसा लगता है कि जो उसका हार्ट है वो ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है, अराउंड क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, बार बार निचोड़ा जा रहा हो, वल्वा का रीजन बहुत ज्यादा हॉट होगा, इचिंग देखने को मिल रही है, या फिर मेंसेस प्रोफ्यूज होंगे, स्पाज्म की कंडीशन, अगर किसी को इसकी ओवरीज में सीवियर पेन है, डिस्नोरिया की कंडीशन है, रैशनेस है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी है, तो उसमें हम टेरेंटुला हिस्पैनिका को इंडिकेट करते हैं, कोरिक मूवमेंट्स, ठीक है, कोरिया की कंडीशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो, पेशेंट में ट्रैवलिंग की कंडीशंस देखने को मिल रही है, जर्किंग देखने को मिल रही है, हमेशा वो अपने लेग्स को कंटिन्यू मोशन में रख रहा है, जैसे कि जिंकम मेटालिकम में देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा हाथ पैरों में मूवमेंट्स की कंडीशंस देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसकी जो कंडीशंस होती है वो मोशन से वर्स होती है, कॉन्टेक्ट से, नॉइस से, खुली हवा में इसको आराम मिलता है, म्यूजिक से, ब्राइट कलर से, ब्राइट कलर से एग्रेवेशन भी देखने को मिल सकता है, आराम भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, बट जब भी अदर्स लोगों को ये ट्रबल्स में देखेगा कि अदर्स लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसकी कंप्लेंट्स एग्रेवेट कर जाती हैं, ठीक है, तो कॉम्बिंग वगैरह करने से इसको आराम मिलता है, चाहता है कि कोई उसके कॉम्बिंग करे, चंपी करे उसके सिर दर्द में, रविंग से, ठीक है। नेक्स्ट है थेरेडियन। थेरेडियन स्पेशली वर्टाइगो की कंडीशन, जब काफी ज्यादा वर्टाइगो की कंडीशन हो, पेशेंट नॉइस के लिए सेंसिटिव हो, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी उसकी जो आवाज है पूरी बॉडी को पैनिकेट करके जा रही हो, पूरी बॉडी को पियर्स करके जाती हो, स्पेशली टीथ के पार्ट को, ठीक है, बहुत ज्यादा रैशनेस होगा, किसी भी चीज में उसको मजा नहीं आता है, फाइंड्स प्लेजर इन नथिंग, और इसका जो टाइम है वो बहुत जल्दी जल्दी पास आउट होता है, जब ये फ्लोर्स पे चलेगा तो जिसकी वजह से वो सीवियर पेन होना चालू हो जाएगा, अगर लीस्ट मोशन से किसी को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हो, नॉजिया वॉमिटिंग की कंडीशंस देखने को मिल रही है, स्पेशली जब पेशेंट अपनी आंखों को बंद कर रहा हो, ठीक है, स्पेशली ये सिम्टम जो लैकेसिस में भी देखने को मिलता है, वर्टिगो की ऑन क्लोजिंग आईज, लाइट के लिए सेंसिटिव, आई वॉल्स में काफी ज्यादा सीवियर पेन हो, तो इस टाइप की कंडीशंस में हम थायरॉइड को इंडिकेट करते हैं, ओजेना, सी सिकनेस, नॉजिया वॉमिटिंग, जब भी वो अपनी आंखों को बंद करेगा या फिर मोशन से इसको नॉजिया वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, अपर लेफ्ट चेस्ट में काफी ज्यादा सीवियर पेन हो, फ्लोटिंग रिब्स में पेन देखने को मिल रहा है, कार्डियक का पेन, एंजाइटी, पाल्पिटेशंस, इसका जो बटीवरे होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे कि चिनिमियम सल्फेट, थिरेडियन, इन लोगों की जो बटीवरे होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इवन एगेरिकस ऑल्सो, पेशेंट जो होता है स्पाइन को टिप, मतलब स्पाइन पे कोई चीज टच ना कर जाए, तो इस वजह से वो अपने आप को अवॉइड करता है, स्टिंगिंग पेन, चुभन देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा इचिंग सेंसेशन हो रहा है, तो इसकी कंडीशन टच से, प्रेशर से, या फिर कैरिज राइडिंग से वर्स होती है, जब भी अपनी आंखों को बंद करेगा, मोशन से, स्पेशली लेफ्ट साइडेड में, ठीक है, तो आज आपका पूरा स्पाइडर ग्रुप खत्म हो चुका है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।